गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम. सो टुडे आई विल बी गिविंग यू टू लेटर्स. ठीक है, तो ये दो लेटर्स जो होंगे, इन्हीं दोनों लेटर्स में से पीटी एग्ज़ाम होगा. या तो ये लेटर्स चॉइस में आएंगे या फिर ये सिंगल सिंगल बोले जाएंगे. तो आपको दोनों ही लर्न करने हैं, दोनों ही आपकी इंग्लिश ग्रामर बुक में है. 129 पेज नंबर पे, इट इज़ ऑन पेज नंबर 129. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दीज. फर्स्ट लेटर है लेटर नंबर 2, पेज 129. इट इज यू लिव इन अ बोर्डिंग स्कूल. आप एक बोर्डिंग स्कूल में, हॉस्टल में पढ़ रहे हो. राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ यू टू गो ऑन अ पिकनिक. तो आप पिकनिक पे जाना चाहते हो, सो यू हैव टू राइट अ लेटर टू योर फादर. 129 पेज पे है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. पहले हम अपना एड्रेस लिखते हैं. सेंडर का एड्रेस आता है, आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हो. बट इट इज रिटन F20 साकेत, अंबेडकर स्ट्रीट, देहरादून. और ये है देहरादून का पिन कोड 248001. अगर आपको पिन कोड याद है तब लिखना, गलत मत लिखना. उसके बाद डेट, ये एक लाइन छोड़ के डेट लिखोगे, ये हम प्रेजेंट डेट लिखेंगे. ये बहुत पहले की डेट है, हम लिखेंगे प्रेजेंट डेट. डियर सैल्यूटेशन फादर, डियर फादर आर क्लास टीचर, उसके बाद बॉडी शुरू हो जाती है ये. आर क्लास टीचर हैज अरेंज्ड पिकनिक टू द प्लैनेटेरियम. हमारी क्लास टीचर ने एक पिकनिक अरेंज किया प्लैनेटेरियम में, जो कि देहरादून में है, ऑन 6th of March. जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो ना, उससे कुछ दिन बाद की डेट लिखोगे ये. ऑल माई फ्रेंड्स आर गोइंग, सारे मेरे फ्रेंड्स जा रहे हैं. आई टू विश टू ज्वाइन दैम, इवन आई टू विश टू ज्वाइन दैम, मैं भी साथ जाना चाहता हूँ. आर टीचर हैज मेड अरेंजमेंट्स, हमारे टीचर ने बहुत सारे अरेंजमेंट्स बनाए हैं फॉर आर ट्रांसपोर्ट एंड फूड, हमारे खाने के लिए, जाने के लिए, रहने के लिए, सब चीजों के लिए हमारे टीचर ने सारे अरेंजमेंट्स बना दिए. काइंडली अलाउ मी टू गो फॉर द पिकनिक, प्लीज मुझे अलाउ कर दीजिए ताकि मैं पिकनिक पे जा सकूं. Yours lovingly, यहां पे मयंक लिखा हुआ है, यू हैव टू राइट योर नेम. आप इसमें अपना खुद का नेम लिखोगे. ठीक है, एक तो ये लेटर था, लेटर नंबर 2 ऑन पेज 129. और एक है लेटर नंबर 5 ऑन पेज 131. लेटर नंबर 5 है, सी लेटर नंबर 5 है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड हु इज इल. अपने फ्रेंड को लेटर लिखो जो बीमार है, आस्किंग हिम टू गेट वेल सून, और उसे जल्दी ठीक होने के लिए वेल विशेस दो. सबसे पहले हम लिखेंगे आपका एड्रेस, P164 न्यू गांधीनगर गाजियाबाद. आप कुछ और भी लिख सकते हो. ठीक है, फिर डेट, अपडेट ये पुरानी है, 2014 की है, पर आप लिखोगे प्रेजेंट डेट. डियर राजीव, इसने अपने फ्रेंड का नाम लिखा है राजीव, आप अपने फ्रेंड का नाम लिखोगे. टू योर फ्रेंड, तो आप अपने फ्रेंड का कोई भी नेम लिख सकते हो. होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड स्पिरिट्स, इसका मतलब क्या होता है कि आई विश कि ये जो लेटर है ये आपको बहुत खुशी देगा एंड यू विल बी वेरी हैप्पी टू रीड इट. आई हर्ड दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर, मुझे सुनने में आया है कि आप वायरल फीवर से सफर कर रहे हो. यू शुड टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, आपको अपनी अच्छे से केयर करनी है. टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, आपको अच्छे से टेक केयर करनी चाहिए, अपनी ध्यान रखना चाहिए, एंड टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम. अब उसे आप क्या बता रहे हो कि आपको अपनी मेडिसिन टाइम पे लेनी चाहिए. एंड ईट हेल्दी फूड, और हेल्दी फूड खाओ. You should also take complete rest. मतलब complete rest लो. Do not worry, you will be able to join school soon. Don't worry, आप जल्दी ही अपना school join कर लोगे. Yours loving friend, Deepak. यहाँ आपने अपना name लिखना है. Write your name. ठीक है? अब एक तो letter number 2 था, एक letter number 5 था. या तो इन दोनों में आएगी चॉइस आपको, मतलब और में आएंगे कि आप कोई भी एक कर दो. या फिर क्या होगा कि या तो मैं लेटर नंबर 2 दूंगी या लेटर नंबर 5 दूंगी,
दोनों में से कोई एक करना है तो वो तो चॉइस हो गई और वाला, अदरवाइज मैं कोई भी एक लेटर भी दे सकती हूँ एग्जाम में, चाहे ये दे दूं चाहे लेटर टू दे दूं। तो आपने दोनों ही लर्न करने हैं। ओके, दीज आर द लेटर्स जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ एग्जाम के लिए। सो दीज ओनली यू हैव टू लर्न। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट रिविजन वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।